व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। और आज इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक व्हाट्सएप का ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको शायद ही किसी ने बताई होगी, जिससे आपको क्या कहते हैं स्टोरेज में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मतलब कि आपकी स्टोरेज जो फालतू की यूज़ होती थी वो अब नहीं होगी आने वाले टाइम में, अब जब भी आप वीडियो पूरी देख लेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर करते रहो फ्रेंड्स के साथ। एंड विदाउट वेस्टिंग फॉर द मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड आई विल शो यू। तो गाइस, आपको सबसे पहले व्हाट्सएप पर जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे स्टोरेज एंड डेटा पे जाना है एंड मैनेज स्टोरेज पे जाना है। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपने कितनी चीज़ें फॉरवर्ड करी हैं, कितने मैसेजेस, कितने इमेजेस, कौन सी इमेज आपने कौन से ग्रुप में फॉरवर्ड करी है, कितनी बार वो रेपिटेशन हो रही है उसकी, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखने यहाँ पे किसी भी एक क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल या किसी को एक पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है मेरे हिसाब से। एंड यहाँ से मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ, और डिलीट एनी कॉपीज़ को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी कॉपीज़ भी डिलीट हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं देखूँ, उसके बाद ये डिलीट हो जाएंगी और मेरी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा कम से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो भाई, यही थी ये छोटी सी ट्रिक जो शायद ही आप लोगों को पहले पता होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगेन कह रहा हूँ गाइस, इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। एंड मैं गाइस मिलता हूँ ऐसी किसी नई एक्साइटिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट गाइस।